तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटी स्पाइसी मिर्ची भजिया। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन और 1/4 कप चावल का आटा लिया है। नमक, मिर्च पाउडर, अजवाइन, खाने का सोडा, हल्दी, ये सारी चीज़ें हैं बेसन का बैटर बनाने के लिए। उसके अलावा ये मोटी वाली मिर्च है। धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए धनिया पाउडर है, काला नमक है और भुना जीरा पाउडर। इन तीनों का मैं पाउडर बना के मिर्ची में स्टफिंग करने वाली। उसके अलावा एक प्याज, आधा नींबू और तेल तलने के लिए। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बेसन का बैटर। उसके लिए मैंने लिया 1 कप बेसन और 1/4 कप चावल का आटा। चावल का आटा डालने से भजिए बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अगर चावल आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर 1 स्पून डाल सकते हैं। उसके अलावा 1/2 स्पून अजवाइन। अजवाइन डालने से ऑयली फूड से प्रॉब्लम भी नहीं होगा, डाइजेशन भी अच्छे से होगा। फिर 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल के मैं इसमें पानी डाल के अच्छे से इसका स्मूथ बैटर बनाऊंगी। पहले अच्छे से मिक्स कर लिया मैं इसमें डालने वाली पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैंने जिस कप से बेसन लिया था उसी कप से मैंने 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एकदम अच्छे से स्मूथ बैटर बनाने वाली हूँ। बैटर बन गया है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से बन गया और इसमें पूरा 1 कप पानी लग गया है। अब इस बैटर को मैं ढक के रख दूँगी साइड में। अब हम करेंगे आगे का प्रोसीजर। अच्छे से धो लिया था, अब मैं इनको निकाली हूँ प्लेट में। इनके बीच में मैं लगाने वाली हूँ चीरा। चीरा लगा के आप चाहो तो इसके अंदर से सीड्स निकाल सकते हो, बट ये मोटी वाली मिर्ची है, तीखी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्टफिंग भरने वाले, उससे बिल्कुल भी तीखा नहीं रहेगा। सारे मिर्चों में मैंने चीरा लगा लिया। अब मैं इसके अंदर के लिए स्टफिंग बना रही हूँ। मैंने डाला है भुना जीरा पाउडर 1 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, काला नमक और नॉर्मल नमक, दोनों मिलके 1/2 स्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब इसका स्टफिंग मैं भरने वाली हूँ मिर्ची में। ये स्टफिंग भरने से मिर्ची का टेस्ट दुगना हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी रहेगा। बिना स्टफिंग के भी आप बना सकते हो, बट आप एक बार ऐसे बना के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। सब में मैंने स्टफिंग भर लिया है। अब बेसन भी अच्छे से सेट हो गया। अब इस बेसन के बैटर में मैं डाल रही हूँ 2 स्पून गरम तेल, जिसे हमने फ्राई करने के लिए गरम होने रख दिया था। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और बनाने से जस्ट पहले मैं 2 पिंच जितना खाने का सोडा डाली हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और 1 स्पून मैंने पानी डाला है, क्योंकि जैसे हम सोडा डालेंगे बैटर थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। अब एकदम स्मूथ बैटर बन के रेडी है, तेल भी गर्म हो गया। अब मैं मिर्चियों को बेसन के बैटर में डीप करके मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए फ्राई करूँगी। अगर तेल ठंडा रहेगा तो बैटर मिर्चियों से छूट जाएगा, गर्म रहेगा तो ऊपर से जल जाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए क्रिस्पी होते तक इन्हें फ्राई करना है। ये मिर्ची भजिए साउथ के बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। साउथ क्या, ऑल ओवर इंडिया में इसे पसंद किया जाता है, क्योंकि ये है ही बहुत टेस्टी। मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए मैं सारे भजियों को फ्राई करूँगी। ये भजिए रेनी सीजन के लिए बहुत ही परफेक्ट है, या एज अ टी टाइम स्नैक आप इसे बनाओ। इसके साथ किसी भी चटनी या सॉस की ज़रूरत नहीं है। सारे भजिए बन गए, अब मैंने निकाल रही हूँ प्लेट में। आप ये मिर्ची भजिया ऐसे ही सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा, ना चटनी ना सॉस किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बट मैं इसके अंदर भरने वाली हूँ एक और स्टफिंग, जो मिर्ची भजियों का टेस्ट और भी दुगना कर देगा। मैं एक मिर्ची भजिया लेके इसके अंदर भरने वाली हूँ बारीक कटा प्याज। इससे जो जब हम मिर्ची भजिया खाते हैं बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। फिर मैं डालने वाली हूँ बारीक कटा धनिया पत्ता और सूखी लहसुन की चटनी। सूखी लहसुन की चटनी की जगह मिर्च पाउडर डालना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैं एक और मिर्ची स्टफ करके दिखा रही हूँ। ये रेनी सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। बस ये भजिया हो और 1 कप गरम गरम चाय, बहुत ही अच्छा लगेगा। सारे मिर्चियाँ मैंने भर लिए हैं, अब मैं इन्हें ले रही हूँ सर्विंग प्लेट में। सर्विंग प्लेट में डालने के बाद जस्ट खाने के पहले आप इसके ऊपर आधा नींबू निचोड़ना। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया मिर्ची भजिया बनके रेडी है। आप भी इसे बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।